कटे हुए टमाटर, तेज पत्ता, धनिया, लहसुन अदरक का पेस्ट, पिसी हुई प्याज, सब्जी मसाला, बाकी मसाले, सरसों का तेल। इसमें चॉप करे हुए हम प्याज डालेंगे। प्याज को अच्छे से भूनेंगे क्योंकि राजमा में अच्छा स्वाद आने के लिए प्याज का अच्छे से भूना बहुत ज़रूरी है, तभी राजमा बहुत अच्छे लगते हैं। आधा चम्मच छोटा मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, इसको प्याज के साथ अच्छे से भून लिया है, मिक्स कर लिया है।